इस कहानी की शुरुआत में हम सुपरमैन को देखते हैं। सुपरमैन कई सालों के लिए अचानक से गायब हो गया था। जब वो अपने घर वापस आता है तो अपने पुराने दिनों को याद करके बहुत खुश होता है। जब उसे अपनी पावर्स के बारे में पहली बार पता चला था और उसने पहली बार उड़ना सीखा, किसी को नहीं पता था कि क्लार्क केंट ही सुपरमैन है। उसकी पुरानी न्यूज़पेपर कंपनी उसे बिना कोई सवाल पूछे वापस काम पर रख लेती है, क्योंकि क्लार्क अपने काम में बहुत अच्छा था। वो लुइस नाम की एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन उसे पता चलता है कि अब उसने शादी कर ली है और उसका एक बेटा भी है। लुइस सुपरमैन को पसंद नहीं करती थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसका सबसे करीबी दोस्त क्लार्क ही सुपरमैन है। इसके बाद हम लेक्स लूथर नाम के एक साइंटिस्ट को देखते हैं, जो इस कहानी का विलेन है। लूथर को अंटार्कटिका की बर्फीली पहाड़ियों में कुछ क्रिस्टल मिलते हैं, जिसकी मदद से वो खतरनाक हथियार बनाने की तैयारी कर रहा था। इसके बाद हम लुइस को देखते हैं, जो एक प्लेन के अंदर कुछ लोगों का इंटरव्यू ले रही थी, और उस प्लेन के ऊपर एक स्पेस शटल था जिसे बस थोड़ी ही देर में लॉन्च किया जाना था। दूसरी तरफ लूथर कहता है कि ये क्रिस्टल पानी के कॉन्टेक्ट में आते ही अपना असर दिखाना शुरू करता है। वो उसके छोटे से टुकड़े को शहर की मेन वाटर पाइपलाइन में डाल देता है, लेकिन ऐसा करने से कुछ नहीं होता। लूथर की गर्लफ्रेंड उसका मजाक बनाने लगती है, पर तभी वो देखते हैं कि पानी में हलचल होने लगी है। अचानक से पूरे शहर की इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाती है, जिसकी वजह से सारे कम्युनिकेशन डिवाइसेस काम करना बंद कर देते हैं। कुछ देर में शहर की इलेक्ट्रिसिटी दोबारा आ जाती है, लेकिन लुइस जिस प्लेन में बैठी थी उसके कंट्रोल सब खराब हो चुके थे। लेकिन तभी उनके काउंटडाउन के अकॉर्डिंग उसके ऊपर लगा स्पेस शटल स्टार्ट हो जाता है, लेकिन क्योंकि समय रहते वो प्लेन से अलग नहीं हो पाया था, इसीलिए उसके थ्रस्टर्स उस प्लेन के पंखों को लाने लगते हैं, जिसकी वजह से उनका प्लेन क्रैश करने लगता है। जब टीवी में उस प्लेन की खबर दिखाई जाती है तो क्लार्क तुरंत ही उस प्लेन में बैठे लोगों को बचाने के लिए अपने सुपरमैन के कॉस्ट्यूम को पहन लेता है। वो कुछ ही मिनटों में उस प्लेन तक पहुंच गया था, और सबसे पहले सुपरमैन उस स्पेस शटल को प्लेन से अलग करता है और उसे स्पेस में ले जाकर छोड़ देता है। लेकिन वो एरोप्लेन अभी तेजी से नीचे गिर रहा था। सुपरमैन उसके दोनों पंखों को तोड़ देता है ताकि उसमें और आग न लगे, और उस प्लेन के आगे आकर उसे हवा में रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उस प्लेन का वजन इतना ज्यादा था कि उसकी बॉडी का एक एक पार्ट आपस में दबने लगता है। लेकिन इससे पहले वो जमीन से टकरा पाता, सुपरमैन उसे रोक लेता है और बड़े आराम से उसे एक बास्केटबॉल स्टेडियम में लैंड करा देता है। सभी लोग सुपरमैन को देखकर चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि वो इतने सालों के बाद वापस आया था। लुइस तो उसे देखकर बेहोश हो जाती है। इसके बाद सभी अखबार वाले सिर्फ सुपरमैन के बारे में लिखना चाहते थे, वो कहां था, उसने क्या किया, सब कुछ। लेकिन लुइस को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो उस इलेक्ट्रिक इम्पल्स के बारे में लिखना चाहती थी, जिसकी वजह से सभी कम्युनिकेशन डिवाइसेस फेल हुए थे, लेकिन उसका बॉस उसे सिर्फ सुपरमैन के बारे में लिखने के लिए कहता है। क्लार्क लुइस के बेटे से मिलता है और लुइस के पति को देखकर उसे अच्छा नहीं लगता, पर वो अब कर भी क्या सकता था। केंट को जानना था कि लुइस उसके बारे में क्या सोचती है, इसीलिए वो उसके घर आता है और अपनी एक्सरे विजन से लुइस को देखता है। लुइस और उसका पति रिचर्ड सुपरमैन के बारे में बात कर रहे थे। दरअसल लुइस कभी सुपरमैन की अच्छी दोस्त हुआ करती थी, पर वो अब उससे नफरत करती है। ये जानकर केंट उदास होकर वहां से चला जाता है। वो अर्थ के बाहर स्पेस में जाता है और धरती से आने वाली सभी आवाजों को ध्यान से सुनता है, और उसे पता चलता है कि कहीं पर चोरी हो रही है। वो तुरंत ही उन चोरों के पास आता है। वो सुपरमैन के ऊपर मशीन गन से फायरिंग करते हैं, पर उसे कुछ नहीं होता। वो उन्हें पुलिस को सौंप देता है। एक औरत की कार के ब्रेक्स फेल हो गए थे, लेकिन सुपरमैन उसका एक्सीडेंट होने से पहले उसे बचा लेता है, पर वो कहती है कि उसे सांस लेने में दिक्कत आ रही है, इसीलिए वो उसे हॉस्पिटल ले चले। सुपरमैन उसे तुरंत ही हॉस्पिटल तक छोड़ देता है, लेकिन ये सब लेक्स लूथर की चाल थी ताकि वो सुपरमैन का ध्यान भटका सके। वो इसी बीच एक म्यूजियम से क्रिप्टोनाइट चोरी कर लेता है, जो 1978 में स्पेस से गिरा था, और क्रिप्टोनाइट सुपरमैन की सबसे बड़ी कमजोरी है। उस रात सभी को बचाने के बाद सुपरमैन की खबर वहां के हर अखबार में थी। लुइस उस म्यूजियम में हुई चोरी के बारे में लिखना चाहती थी, पर उसका बॉस सिर्फ और सिर्फ सुपरमैन के बारे में लिखने को कहता है। इसके बाद हम लूथर को देखते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड उसे जोर का थप्पड़ मारती है, क्योंकि उसने सच में कार के ब्रेक्स फेल करवा दिए थे। इसके बाद हम उस क्रिस्टल को देखते हैं, जो हरे रंग का था। अब ऐसा नहीं था कि लूथर के बारे में किसी को पता नहीं था, बल्कि सुपरमैन ने उसे पहले भी कई बार पकड़ा था, लेकिन जिस दिन उसके खिलाफ गवाही देनी थी उसी दिन सुपरमैन गायब हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने भी उसे छोड़ दिया। लुइस बिल्डिंग की छत पर सिगरेट पी रही थी, लेकिन तभी वहां सुपरमैन आता है। वो उससे कहता है कि लोग जानना चाहते हैं कि मैं इतने समय से कहां था, इसीलिए मैं इंटरव्यू देना चाहता हूं। वो लुइस से माफी मांगता है, क्योंकि वो उसे बिना बताए गायब हो गया था। सुपरमैन लुइस का बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन लुइस को भी नहीं पता था कि क्लार्क ही सुपरमैन है। इसके बाद सुपरमैन उसे अपने साथ आसमान में ले जाता है और उसे समुद्र के ऊपर घुमाता है।
वो उससे पूछता है कि तुमने मेरे खिलाफ आर्टिकल क्यों लिखा, पर लुईस ने ऐसा सिर्फ इसीलिए किया था क्योंकि वो सुपरमैन से नाराज थी। लेकिन अब से उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। इसके बाद सुपरमैन अंटार्कटिका आता है और वो देखता है कि किसी ने सारे क्रिस्टल चोरी कर लिए हैं। लुईस को छानबीन करके उस घर के बारे में पता चलता है जहां सबसे पहले बिजली गई थी। इसके बाद वो एक बोट में आती है और उसे पता चलता है कि ये बोट लूथर की है। लूथर ने उसे देख लिया था और वो उसे अपने शैतानी प्लान के बारे में बताता है। लूथर के पास जो क्रिस्टल था, जब वो पानी के साथ रिएक्ट करता है तो एक बीज की तरह फैलने लगता है, और उसका प्लान था कि वो समुद्र के बीच उन सभी क्रिस्टल्स को फेंक देगा और उसके आसपास का पानी सॉलिड क्रिस्टल में बदल जाएगा, और इस तरह वो समुद्र के बीच में अपना एक देश बनाएगा। लुईस उसे कहती है कि सुपरमैन उसे ऐसा नहीं करने देगा, पर उसे रोकने के लिए लूथर के पास क्रिप्टोनाइट था। इसके बाद वो क्रिप्टोनाइट और उस क्रिस्टल को एक साथ मिलाकर पानी में फेंक देता है, और पानी से रिएक्ट करते ही वो बहुत तेजी से फैलने लगता है। लुईस मदद के लिए अपने ऑफिस में एक फैक्स भेजती है, लेकिन लूथर के लोग उसे देख लेते हैं और उसे मारने लगते हैं। जेसन अपनी माँ को बचाने के लिए एक पूरा पियानो उसके ऊपर फेंक देता है। जेसन के अंदर सुपरमैन की पावर्स थी, इसका मतलब था कि जेसन रिचर्ड का नहीं बल्कि सुपरमैन का बेटा है। क्लार्क को लुईस का भेजा हुआ फैक्स मिल जाता है और वो उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन वो देखता है कि समुद्र में कोई चीज तेजी से उनके शहर की ओर बढ़ रही है। उस क्रिस्टल की वजह से शहर में भूकंप आने लगता है और शहर की बड़ी बड़ी इमारतें हिलने लगती हैं। सुपरमैन ऊपर से गिरने वाले मलबे से लोगों को बचाता है। उनके शहर में गैस पाइपलाइन में ब्लास्ट हो जाता है और आग तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी, पर सुपरमैन अपनी एक फूंक से उस पूरी आग को बुझा देता है। उनके शहर के लोगों को बचाने के बाद सुपरमैन लुईस के पास जाने लगता है। रिचर्ड लुईस को बचाने आया था, लेकिन वो क्रिस्टल पानी से बाहर आने लगते हैं और उनमें से एक उसकी बोट से टकराता है और उसके दो टुकड़े हो जाते हैं और वो तीनों पानी के अंदर डूबने लगते हैं। लेकिन तभी सुपरमैन उन्हें बचाने आता है। रिचर्ड एक पायलट था, वो जेसन और लुईस को लेकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद सुपरमैन लूथर के पास आता है, लेकिन उन क्रिस्टल्स के पास सुपरमैन ने अपनी पावर्स खो दी थी। लूथर उसे एक जोर का पंच मारता है और उसके लोग उसे बुरी तरह पीटने लगते हैं। लूथर की गर्लफ्रेंड उसे मार खाता देख रोने लगती है क्योंकि सुपरमैन ने उसकी जान बचाई थी। लूथर क्रिप्टोनाइट से उसे मारकर समुद्र में फेंक देता है। जब लुईस को होश आता है तो वो रिचर्ड को वापस चलने को कहती है, नहीं तो सुपरमैन मारा जाता। वो लोग सुपरमैन को पानी में डूबता हुआ देखते हैं। लुईस तुरंत ही उसे पानी से बाहर निकालती है, लेकिन वहाँ प्लेन के उड़ने के लिए जगह नहीं थी। लेकिन रिचर्ड एक काबिल पायलट था, वो उस प्लेन को किसी तरह उड़ा लेता है। सुपरमैन को होश आ जाता है, लेकिन उसे इन क्रिस्टल्स को बढ़ने से रोकना था, नहीं तो वो उनके पूरे शहर को पानी में डुबा देते। वो लुईस को गुड बाय कहता है और सूरज की रोशनी से वो थोड़ा स्ट्रांग हो गया था। सुपरमैन समुद्र की गहराइयों में जाता है ताकि उसे जड़ से निकाल सके। लूथर अपनी जीत की खुशियां मना रहा था, लेकिन तभी वहां भूकंप आने लगता है और उसके लोग चट्टान में दबकर मर जाते हैं। लूथर प्लेन लेकर वहां से भाग रहा था, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उस क्रिस्टल को वहीं पर फेंक देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि लूथर और लोगों की जान ले। लूथर सुपरमैन को उस क्रिस्टल को उठाते हुए देखता है जो एक आइलैंड बन चुका था, लेकिन उसमें से क्रिप्टोनाइट निकल रहा था जो सुपरमैन को अंदर ही अंदर मार रहा था। वो किसी तरह उसे स्पेस में लेकर जाता है और उसे सूरज की तरफ फेंक देता है। वो बेहोश होकर नीचे गिरने लगता है और आखिर में जमीन से टकराता है। लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और उसकी बॉडी से क्रिप्टोनाइट निकालते हैं, लेकिन वो उसे कोई भी इंजेक्शन नहीं लगा पाते। सभी को लगा कि इस बार सुपरमैन नहीं बच पाएगा। न्यूज़पेपर वालों ने उसकी मौत की खबर के लिए अखबार भी छापने शुरू कर दिए थे। रिचर्ड लुईस से कहता है कि उसे एक बार सुपरमैन से मिल लेना चाहिए। जब लुईस उसके पास जाती है तो सुपरमैन बेहोश था। वो उसे वापस आने के लिए कहती है, पर उसकी हालत में कोई सुधार नहीं था। हॉस्पिटल के बाहर सुपरमैन की माँ खड़ी थी, पर उन्हें कोई अंदर नहीं जाने देता क्योंकि वो तो एक आम नागरिक थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद ये खबर फैल जाती है कि सुपरमैन हॉस्पिटल से गायब हो चुका है। वो कहाँ गया किसी को भी नहीं पता, पर सुपरमैन अभी भी जिंदा था। वो जेसन से मिलने आता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो उसी का बेटा है। जब सुपरमैन वापस जा रहा था तो लुईस उसे देख लेती है। लुईस उसे कहती है कि तुम दोबारा वापस कब आओगे, जिस पर सुपरमैन उसे कहता है कि वो हमेशा उसके आसपास ही रहेगा, और वो उसे गुड बाय कहकर दोबारा से स्पेस में जाता है। इसके बाद हम लूथर को देखते हैं जो एक छोटे से आइलैंड पर फंसा हुआ था, और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये मूवी आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।